हेलो एवरीवन। सो आई होप आप लोगों ने आईएफएस के पिछले जो भी वीडियोस बने थे उन सब चीज को गो थ्रू कर लिया है, और अब हम आगे आज पढ़ने वाले इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन। ठीक है, सो व्हाट इज द नेम ऑफ आर चैप्टर? दैट इज चैप्टर नंबर 6, इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन। अच्छा, सो फर्स्ट लेट्स डिस्कस की हु आर द इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो लोग पोटेंशियल पर्सन होते हैं, जिनके पास पोटेंशियल होता है सेव करके, लाइक एक्स्ट्रा सेविंग्स। ओके, दे आर अर्निंग एंड आफ्टर देयर सेविंग्स दे आर यू नो विलिंग टू इन्वेस्ट सो दैट दे कैन गेट एन रिटर्न आउट ऑफ इट। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन? इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन का मतलब क्या है? इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन का मतलब होता है कि आज इन्वेस्टर्स के साथ कुछ भी गलत ना हो और इन्वेस्टर्स हर जगह से प्रोटेक्टेड रहे। ठीक है, क्योंकि आज आप ही सोचो ना, आज रिस्क तो हर चीज में है। ठीक है, बट अगर आपके साथ कुछ गलत हो या फिर आपके साथ कोई एक मैल प्रैक्टिस हो जाए या फिर एनीथिंग विच यू नो इज रिलेटेड टू बिट्रेयल और समथिंग, तो आप क्या उस स्ट्रीम में, उस फील्ड में जाना चाहोगे? नहीं, ऑब्वियसली। सो यू नो एवरीबॉडी विल मेक श्योर कि आप कैसे ना कैसे करके उस फील्ड को या फिर उस स्ट्रीम को या फिर वो कोई स्पेसिफिक चीज पे यू नो भरोसा दिलाओ, तभी आप उस जगह पे जाके इन्वेस्ट करोगे। ठीक है, इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन भी इसीलिए बना है ताकि जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स है वो इन्वेस्ट करना ना छोड़े। इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि हर जगह पे गलत काम होता है, बट यू नो वो गलत काम को रोकने के लिए भी, जैसे कि आज नॉर्मल से फॉर एग्जाम्पल बेसिक एग्जाम्पल ले लो, पुलिस है। ठीक है, इफ देयर इज एनी थेफ्ट रॉबरी या फिर कुछ भी होता है तो वी कॉल पुलिस, राइट? बट इन्वेस्टर्स किसको बुलाएंगे? पुलिस को थोड़ी बुलाएंगे। तो वो लोग क्या करते हैं कि उनका एक इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन है। ठीक है, इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन इसीलिए बना हुआ है, सेबी के अंडर ही रहता है वो। कुछ गाइडलाइंस होता है कि कुछ फॉलो करना पड़ता है, एंड अकॉर्डिंगली अगर आप यू नो चीटेड होते हो या फिर आपके साथ कुछ ज्यादा चार्ज किया जाता है या फिर एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू दैट, तो आपको बहुत जल्द से जल्द रिड्रेसल मिलता है। ओके, सो द टर्म इन्वेस्टर प्रोटेक्शन इज अ वाइड टर्म इनकम्पसिंग वेरियस मेजर्स डिजाइन टू प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर्स फॉर मैल प्रैक्टिसेस ऑफ कंपनीज, मर्चेंट बैंकर्स, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स एंड अदर इंटरमीडियरीज। ठीक है, तो इंटरमीडियरीज इज ऑब्वियसली द मिडलमैन विच वी यू नो ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द लास्ट चैप्टर। मर्चेंट बैंकर्स भी पता है, जो बैंकिंग रहते हैं वो लोग भी इन्वेस्टमेंट वगैरह एक्सेप्ट करते हैं, मिडलमैन की तरह काम करते हैं। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स भी होते हैं जो डिपॉजिट को एक्सेप्ट करते हैं। देर आर कंपनीज ऑल्सो, ठीक है, तो जिसमें शेयर्स वगैरह का ट्रांजेक्शन होता है। तो बेसिकली उन लोग का माल प्रैक्टिस को रोकने के लिए या फिर देखने के लिए कि कितना ज्यादा है कितना नहीं, इन्वेस्टर्स के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन बनाया गया है। ठीक है, तो इन्वेस्टर्स आर द बैकबोन ऑफ द सिक्योरिटी मार्केट, वी ऑल नो। विदाउट द इन्वेस्टर्स द सिक्योरिटी मार्केट कैन नॉट एनी वे गो अहेड। ओके, सो अगर इन्वेस्टर्स ही नहीं होंगे और उन्हीं को चीट करोगे और वही उन्हीं से भरोसा उठ जाएगा अगर, तो फिर इन्वेस्ट करेगा कौन? ओके, सो दे नॉट ओनली डिटरमाइन द लेवल ऑफ एक्टिविटी इन द सिक्योरिटी मार्केट बट ऑल्सो द लेवल ऑफ एक्टिविटी इन द इकोनॉमी। वो लोग सिर्फ सिक्योरिटी मार्केट से रिलेटेड नहीं है, दे आर ऑल सो रिलेटेड टू द इकोनॉमिक एक्टिविटीज और द एक्टिविटीज विच आर डन इन इकोनॉमी, बिकॉज पर कैपिटा इनकम उसी से बढ़ता है एंड देन फिर नेशनल इनकम में वो अर्न होता है। सो नॉर्मली इन्वेस्टर्स डिजायर टू हैव सेफ्टी ऑफ हिज फंड, लिक्विडिटी ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट एंड अ गुड रिटर्न विथ मिनिमम रिस्क। ठीक है, तो ऑब्वियस बात है, ये बहुत जाहिर सी बात है कि आज अगर आप भी कहीं पे पैसे लगाओगे तो यू विल मेक श्योर ना कि रिस्क कम हो और इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो। तो यहाँ पे भी वही चीज है कि वो लोग क्या करते हैं, वो लोग अपनी सेफ्टी ढूंढते हैं, लिक्विडिटी उनको चाहिए ही होता है अपने इन्वेस्टमेंट का। ऑल्दो देयर एग्जिस्ट सेवरल फाइनेंशियल मार्केट रेगुलेटर्स, वेरियस लॉ बाय लॉ रूल्स एंड रेगुलेशंस इन आर कंट्री, बट सेवरल इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट इज नॉट फुल्ली प्रोटेक्टेड। ओके, बहुत सारे लॉज, रूल्स, रेगुलेशन सब कुछ है, बट देन ऑल्सो वी कैन नॉट से दैट आर यू नो वी एज एन इन्वेस्टर्स वी आर फुल्ली प्रोटेक्टेड। In India, the worries for the investors in the security market are misstatement, fraudulent company management, price manipulation, unfair trade practices of statement, fraudulent etc. ठीक है, ब्रोकर्स हो, सब ब्रोकर्स का हो या फिर स्टॉक मार्केट में स्कैम कर दे कोई, ठीक है, इनसाइडर ट्रेडिंग होता है, लैक ऑफ प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज होता है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ नंबर्स ऑफ इन्वेस्टर्स कंप्लेन, ये सब
कुछ होता है ना जिसमें कि क्या होता है, फिर धीरे 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 जेन्युइन हमारे इन्वेस्टर्स जो हैं वो कम होते जाते हैं। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, लैक ऑफ लिक्विडिटी, ये सब का मतलब मैं एक एक करके बता देती हूँ। ठीक है, तो फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस आर ऑब्वियसली माल प्रैक्टिसेस, जो भी है गलत काम। ठीक है, फिर कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपसे शेयर प्राइस जो नॉर्मल प्राइस सेबी ने करके रखा है उससे ज्यादा आपसे ब्रोकर या सब ब्रोकर चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, कभी कभी होता है कि सी दिस इज क्वाइट ऑब्वियस और नेसेसरी कि अगर आप कोई कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसको अपना जितना भी फाइल्स वगैरह, डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, जो भी ऑडिट फाइल्स, एवरीथिंग, वो सब चीज पब्लिश करना पड़ेगा। वो लोग मतलब इस चीज को छुपा नहीं सकते हैं। तो बहुत बार ही ऐसा होता है ना कि वो लोग डिविडेंड छुपाने के लिए या फिर किसी भी चीज को मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम देने के लिए वो लोग क्या करते हैं, वो लोग छुपा लेते हैं। ठीक है, फिर ये सिक्योरिटी में भी होता है कि अच्छा आज यहाँ पे इतना रिस्क है लेकिन पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बहुत कुछ है जो प्रॉब्लमेटिक होता है। ठीक है, तो दिस इज द रीजन व्हाई वी नीड ऑब्वियसली द इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन। नाउ इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन इंश्योर्स द राइट ऑफ द इन्वेस्टर विच इंक्लूड, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन क्या क्या इंक्लूड करता है, वो सारा राइट जो एक इन्वेस्टर के पास होना चाहिए। रिसीव इन्फॉर्मेशन, ऑब्वियस बात है ना, यू वुड लाइक ऑब्वियसली कि आपको हर चीज का इन्फॉर्मेशन मिले, बिना इन्फॉर्मेशन तो आप कहीं पे भी आगे नहीं बढ़ सकते हो। द राइट ऑफ इन्वेस्टर्स टू रिसीव मटीरियल इन्फॉर्मेशन डिक्लेयर्ड फॉर द इन्वेस्टर्स बाय द कंपनी, एक कंपनी के तौर से हर एक वो बेसिक हो चाहे बड़ा हो इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए ताकि वो उस कंपनी में इन्वेस्ट कर सके। राइट इशू, द राइट ऑफ द इन्वेस्टर इज टू सब्सक्राइब फॉर द इशू ऑफ कैपिटल बाय कंपनी इन केस ऑफ एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर, इफ दे आर द कंपनीज एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर। अभी मैं अगर इस कंपनी का शेयर लेके रखी हूँ तो मेरे पास राइट इशू का राइट रहता है। ओके, लिमिट ऑफ ब्रोकरेज, ठीक है, तो पहले के टाइम में क्या होता था, जो तो अमाउंट लिया जाता था ब्रोकरेज का, विच इज नॉट राइट। ओके, तो टू पे अ मिनिमम मैक्सिमम ब्रोकरेज ऑफ 2.5%, अभी ये चीज फिक्स कर दिया गया है कि आप 2.5% से ज्यादा ब्रोकरेज नहीं ले सकते, यू कैन नॉट चार्ज। ठीक है, ऑप्टेन फ्रॉम सर्विसेज कि आपको मतलब सारा सर्विसेज मिलना चाहिए, जैसे कि ट्रांसफर करना है, सब डिविजन करना है, कंसोलिडेशन करना है, चाहे मतलब कुछ भी करना है एक कंपनी के होल्डिंग शेयर होल्डिंग्स के साथ आप कर सकते हो, यू फ्री टू डू दैट। ओके, एंड द लास्ट, ऑब्टेन डिलीवरी ऑफ शेयर परचेज और वैल्यू ऑफ शेयर सोल्ड विद इन 2 days। ठीक है, कि अगर आप चाहो तो आप डिलीवरी भी कर सकते हो, मतलब खरीद भी सकते हो, बेच भी सकते हो शेयर्स विद इन 2 days। ठीक है, लास्ट वाला है रिसीव द कॉन्ट्रैक्ट नोट, कि अगर आप एक कंपनी से कुछ खरीद रहे हो या फिर जो भी कर रहे हो, जो ब्रोकर के साथ मिलके आपने जो भी किया, तो उसके लिए आपके पास एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट में वो ट्रांजैक्शन का प्राइस एंड ऑल एवरीथिंग शुड बी रिटन नाइसली एंड सेपरेटली, जो ब्रोकरेज रहता है वो भी उसमें लिखा हुआ रहता है। ओके, सो वी विल मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 2 इज वॉट इज मेंट बाय इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन, द सेम आंसर जो पहले है, लेकिन मे बी यू नो देर आर टाइम्स की कोई बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन आता है, कोई शॉर्ट क्वेश्चन आता है, तो फॉर शॉर्ट क्वेश्चन यू कैन जस्ट राइट द गारंटी टू द रिटर्न द मनी विच इज इन्वेस्टेड बाई ईच इन्वेस्टर ऑन द एक्सपेक्टेशन ऑफ अर्न इनकम और इंटरेस्ट एंड द गारंटी ऑफ गेटिंग इनकम ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट अंटिल इन्वेस्टेड मनी इज रिटर्न इन इज कॉल्ड द इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है कि इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन क्या है कि आपको गारंटी देता है ये कि आपने जितने भी पैसे आपने लगाए थे आपको जितना मिलना चाहिए रिटर्न उसके अकॉर्डिंगली ही मिलेगा, और जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट हो, डिविडेंड हो या व्हाटसोएवर, वो चीज आपको मिल जाएगा। ठीक है, जितने भी पैसे आपने इन्वेस्ट किए थे और जो एक्सपेक्टेड आपका रिटर्न था। अब ऐसा नहीं कि कोई प्रोजेक्ट लिखा, बोल दिया आपको कि 3% रिटर्न मिलेगा, लेकिन जस्ट बिकॉज उसका प्रॉफिट ज्यादा हुआ तो यू कैन नॉट आस्क फॉर 5%। ठीक है, अगर आपके पेपर्स में लिखा हुआ है कि आपको उतना ही चाहिए और वो भी नहीं मिल रहा है, देन यू कैन चार्ज और यू कैन गो अगेंस्ट। ठीक है, इसका फायदा मतलब नाजायज फायदा नहीं उठाना है। तो फिर उसके बाद क्या है कि डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन। अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे कि हमारा जो इन्वेस्टर का प्रोटेक्शन है वो चीज जरूरी क्यों है, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट। जनरेटिंग इन्वेस्टर्स
फेथ एंड कॉन्फिडेंस इन इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज. तो हम लोग को क्या कर रहे हैं, क्यों ये चीज कर रहे हैं, ताकि हम लोग एक फेथ जनरेट कर सके हमारा जो सिक्योरिटी मार्केट है उसमें. जितने भी इन्वेस्टर्स हैं हमारे, अगर उनको पता होगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, यस देयर इज समवन हु इज वॉचिंग हु इज रेगुलेटिंग दिस, तो ऑब्वियसली वी विल बी हैविंग अ फेथ कि नहीं हमारा पैसा कहीं नहीं जाने वाला है. ओके, सो एन इन्वेस्टर इन्वेस्ट इन वेरियस सिक्योरिटी विद अ डिजायर टू हैव सेफ्टी ऑफ हिज इन्वेस्टेड फंड. ठीक है, तो हर एक इन्वेस्टर का ये डिजायर रहता है अंदर से, ताकि वो लोग ज्यादा से ज्यादा सेफ्टी वे में, सेफ वे में वो लोग अपने पैसों को इन्वेस्ट करें और उन लोग को रिटर्न मिले. ठीक है, वो लोग चाहेंगे ऑब्वियसली कि उनका लिक्विडिटी हो, एक गुड रिटर्न मिले उन लोग को. और ऑल्दो देयर एग्जिस्ट सेवरल फाइनेंशियल यू नो मार्केट रेगुलेटर, वेरियस लॉज, बायलॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, एवरीथिंग इन आवर कंट्री, बट हमारे जो है ये फुल्ली प्रोटेक्टेड नहीं है. जो हम लोग ऊपर में डिस्कस किए थे वही वाला पार्ट है. ठीक है, तो हम लोग ऑब्वियसली फील करते हैं कि देयर इज अ लैक ऑफ सिक्योरिटी, और ये चीज के होने की वजह से हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ भी नहीं होता, क्योंकि देयर आर मेनी पीपल हु आर यू नो नॉट बींग एबल टू हैव फेथ इन द शेयर मार्केट और समथिंग. नाउ कॉन्स्टेंट फ्लो ऑफ कैपिटल, कॉन्स्टेंट फ्लो ऑफ कैपिटल क्या है कि ऑब्वियस बात है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है वो कलेक्ट कर रहा है सारा जितना भी पैसे हैं, कैपिटल बाय इशूइंग शेयर्स, डिबेंचर्स, यू नो प्रोक्योरिंग लोन्स, एवरीथिंग. प्रोक्योरिंग लोन्स मतलब बाहर से लोन लेके आना. ओके, इफ द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर इज एडिक्वेटली प्रोटेक्टेड, देन दे विल बी बिकम एनकरेज टू इन्वेस्ट in the security market. As the result, there will be constant flow of capital in the capital market and the industries will be able to procure their required amount of capital easily. तो आपको फिर बाहर से इधर से उधर से पैसे मांग के लाने की जरूरत नहीं है. अगर आप अच्छे तरीके से, सही तरीके से डील करोगे, तो देयर विल बी ऑब्वियसली अ लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स हु वुड यू नो विश टू इन्वेस्ट इन आवर कंपनी, एंड अकॉर्डिंगली व्हाट विल हैपन, द कंपनी नीड नॉट गो आउट एंड यू नो फाइंड फॉर एंड आस्क फॉर द कैपिटल. उनके पास अपना कैपिटल अपने कंपनी में मिल जाएगा, बिकॉज शेयर होल्डर्स आर ऑलरेडी इन्वेस्टिंग इन दैट कंपनी. कॉन्स्टेंट फ्लो ऑफ कैपिटल, कॉन्स्टेंट फ्लो ऑफ कैपिटल क्लियर हो गया. नेक्स्ट इज इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी इन कैपिटल मार्केट डीलिंग्स. ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आप छुपा सकते हो कुछ. तो जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है, ये क्या बोलता है कि आपको आपका हर चीज, चाहे वो शेयर मार्केट डीलिंग कुछ भी हो, आपको ट्रांसपेरेंसी रखना चाहिए. सेबी एक ऑनलाइन स्क्रीनिंग बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम रखा है, जिसमें यू नो ऑल द प्राइसेस एंड एवरीथिंग इज शोन ऑन द स्क्रीन, वे ट्रेडर्स जो होते हैं उनको प्राइसेस मिल जाता है, ताकि उन लोगों को रियल इन्फॉर्मेशन राइट टाइम पे मिले. ऐसा नहीं कि ब्रोकर बोला कि अच्छा अभी 45 रुपीज चल रहा है ये शेयर का, और वो था 2 दिन पहले का, अभी 48 पड़ रहा है, और ऐसे करके वो लोग यू नो स्कैम कर सकते हैं इस चीज को लेके. नेक्स्ट इज वॉट क्रिएशन ऑफ अवेयरनेस अमंग द इन्वेस्टर्स. ऑब्वियसली ऑल द इन्वेस्टर्स यू नो शुड बी अवेयर, एडिक्वेट एक्सपर्टाइज भी होना चाहिए, ताकि उन लोगों को अपना डिसीजन मेकिंग कर सके. कुछ कुछ इन्वेस्टर्स होते हैं, वो लोग को पूरे तरीके से नहीं पता होता है कि शेयर मार्केट में क्या है, क्या प्रिकॉशंस हम लोग ले सकते हैं, किस हिसाब से हम लोग डीलिंग कर सकते हैं इंटरमीडिएट के साथ. बट वॉट हैपन्स इज लाइक वो लोग उससे चीटेड हो जाते हैं. ठीक है, तो इन लोगों को क्या करना होगा, इन लोगों को कंडक्ट करना होगा एक अवेयरनेस प्रोग्राम, 1, 2, 3 जितना भी, ताकि वो लोग हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनको एडुकेट कर पाए, अकॉर्डिंगली दे विल बी एबल टू वर्क. नेक्स्ट इज व्हाट क्रिएटिंग डिसिप्लिन इन द मार्केट. क्रिएटिंग डिसिप्लिन इन द मार्केट क्या है कि दैट यू नो द इन्वेस्टर्स दे नीड टू क्रिएट डिसिप्लिन इन द मार्केट. यू नो मैल प्रैक्टिसेस एंड ऑल कैन नॉट हैपन, बिकॉज अगर इन्वेस्टर्स ही नहीं होंगे तो हमारा तो ये पूरा मार्केट खराब हो जाएगा ना, सिक्योरिटी मार्केट. तो इसीलिए सेवरल रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है जो स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा, और एल्स आपको निकाल दिया जाएगा. ठीक है, तो हर एक ऑपरेशन के लिए देयर आर रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हिच इज यू नो लेड डाउन बाय सेबी और व्होमसोएवर, एंड अकॉर्डिंगली वो जाता है. अगर इस चीज का यू नो मतलब आप तोड़ते हो कोई सीन या फिर वैसा कुछ भी होता है, तो आपसे वो राइट छीन लिया जाएगा. क्रिएटिंग सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी. क्रिएटिंग सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे स्मूथ फंक्शनिंग के लिए क्या करते हैं वो लोग ना, प्रॉपरली अकाउंट्स बना के रखते हैं, ताकि वो सही तरीके से अप्लाई हो पाए. ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि
आप आंसरेबल होते हो, जो बड़ा बड़ा फर्म्स ग्रो कर रहे हैं, ये हो रहे हैं, वो हो रहे हैं, ठीक है। तो फाइनेंशियल मार्केट में जो भी फंक्शंस हो रहे हैं उसके लिए आप इन्वेस्टर को जवाब दे सकते हो कि अभी मार्केट में बेसिकली चल क्या रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज क्रिए सेफ गार्डिंग इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट। ऑब्वियस सा बात है कि इन्वेस्टर तो हमारे भगवान समान है फिलहाल, तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग वी विल मेक श्योर कि हम लोग उनका जो इंटरेस्ट है उस चीज को सेफ गार्ड कर सके, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज इंट्रोडक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग सर्वेलियंस सिस्टम। तो हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को नहीं, ऑब्वियसली जो इस चीज में है कि वो लोग क्या करेंगे, एकदम स्ट्रॉन्ग वे ढूंढेंगे जिससे वो लोग सही तरीके से अज्यूम कर पाए, देख पाए, समझ पाए कि क्या हो रहा है क्या नहीं, ताकि यू नो वी एज एन इन्वेस्टर्स वी नो दैट यस देयर इज समवन हु इज लुकिंग एट ऑल द ट्रांजैक्शन, हु इज यू नो मेंटेनिंग दिस कि ब्रोकर्स को ज्यादा नहीं मिलना चाहिए, वो लोग ऑनलाइन ऑनलाइन स्क्रीनिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो बेसिकली कोई भी फ्रॉडरेंट प्रैक्टिस होने के पहले दे विल गेट एन इंस्टेंट, दे विल गेट एन आइडिया, ठीक है। लेकिन फिर भी वी कैन नॉट बी 100% श्योर विथ एवरीथिंग, तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स होता है। ओके, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज डिस्कस द फंक्शंस ऑफ ग्रीवियंसेस सेल, ग्रीवियंस सेल एंड या फिर और ग्रीवियंस रिड्रेसल सेल इन द स्टॉक एक्सचेंज ऑफ सोशल मीडिया। तो वो लोग क्या करेंगे, रिकॉर्डिंग ऑफ रिटन कंप्लेंट्स, वो लोग क्या करेंगे, वो लोग रिकॉर्ड करेंगे रिटन रिटन कंप्लेंट का, ठीक है। द मेन फंक्शन ऑफ द ग्रीवियंस सेल इज टू रिकॉर्ड द रिटन कंप्लेन प्रॉपरली आफ्टर रिसीविंग द ग्रीवियंस। जो भी प्रॉब्लम्स आपने, मतलब आप अगर मेरे को आके बताते हो तो वी विल बी राइटिंग दैट कंप्लेन, ठीक है। नेक्स्ट इज द मेन कंप्लेन आर ग्रीवियंसेस रिलेटिंग टू द इशू, टू मच स्पेकुलेशन एंड मनी डिफेल्केट। मनी डिफेल्केट का मतलब होता है कि आपसे पैसा आपका ले लिया गया, चोरी कर लिया गया। स्पेकुलेशन भाई ऑब्वियस बात है ना, वी कैन नॉट यू नो कम्प्लीटली 100% ले वी कैन प्रेडिक्ट कि फ्यूचर में क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। तो बेसिकली व्हाट आर वी गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू यू नो एनालाइज एंड थिंक अबाउट ऑल द इशूज रिलेटेड टू यू नो टू मच ऑफ स्पेकुलेशन एंड मनी डिफेल्केशन। कुछ भी मैल प्रैक्टिस नहीं होना चाहिए। एनालिसिस ऑफ द नेचर ऑफ ग्रीवियंसेस, ग्रीवियंस सेल एनालाइज द नेचर ऑफ द ग्रीवियंस आफ्टर रिमेम्बरिंग द रिटन ग्रीवियंस फ्रॉम द इन्वेस्टर एंड सेंड टू द कंसर्न डिपार्टमेंट अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द ग्रीवियंस। इट वॉचेज ऑन मेजर्स विच आर टेकन फ्रॉम द रेमिडीज ऑफ द ग्रीवियंस। तो क्या होता है, बहुत बार ये ऐसा होता है कि वो लोग क्या करते हैं, वो लोग एनालाइज करते हैं कि वो किस टाइप का है और उसके अकॉर्डिंगली उसके उसके डिपार्टमेंट में वो प्रॉब्लम या ग्रीवियंस भेज दिया जाता है, और वो लोग ताकि जेन्युइनली सही तरीके से एडवाइस कर पाए कि क्या अप्रोप्रिएट रहेगा क्या नहीं रहेगा। सॉल्विंग ग्रीवियंस अकॉर्डिंग टू द इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंगली, मतलब ऐसा नहीं कि छोटा मोटा जब मिला हुआ, हाँ ऑब्वियसली दैट इज इम्पोर्टेंट, लेकिन पहले जिसका बड़ा ट्रांजेक्शन या फिर जिसका प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है उनको हम लोग पहले प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। क्योंकि वो लोग मेजर करते हैं कि वो लोग ज्यादा से ज्यादा सही तरीके से प्रॉपरली मैनेज कर पाए, इम्पोर्टेंस दें इस चीज को, और वो लोग क्या कर पाएंगे इस हिसाब से जो भी प्रॉब्लम होगा रिकमेंडेशन के थ्रू, मतलब बातचीत के थ्रू वो लोग क्या कर सकते हैं, वो लोग सॉल्व कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं प्रॉब्लम्स, ठीक है। नेक्स्ट इज टू कॉल अप डिफॉल्टर्स, ताकि वो लोग डिफॉल्टर जो लोग हैं जिन्होंने पैसे नहीं दिए हैं, ठीक है, वो लोग फेल कर गए हैं रिड्रेस करने के लिए, फिर वैसा जो कुछ भी है, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग जल्दी से जल्दी जल्दी दे ट्राई कि वो ग्रीवियंस सॉल्व हो पाए। नेक्स्ट इज रेंडरिंग एडवाइस, रेंडरिंग एडवाइस ऑब्वियस बात है कि एक्सपर्टाइज एडवाइस तो रहता नहीं है सबके पास, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग इन्वेस्टर्स को एडवाइस देते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे हम लोग एक सिक्योरिटी को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि सिक्योरिटी एप्लेट ट्रिब्यूनल टू रिड्रेस द ग्रीवियंस विच इज नेसेसरी फॉर लीगल एक्शन। दिस इज द यू नो thing or place where we can go, we can talk and we can redress our grievances which is followed by. Now publication, publication is also very important, क्योंकि जो ये grievance cell होता है वो लोग public
पब्लिश कर देता है इंफॉर्मेशन, ताकि उस पब्लिकेशन के वजह से क्या होता है कि वो लोग नॉलेज एक्वायर कर पाता है और स्टॉक मार्केट में अपना जगह बना सकता है. प्रिवेंशन ऑफ अनएथिकल एक्टिविटीज, जैसे कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हो गया, ट्रेड इन सेंस आपका ट्रेडिंग रिलेटेड टू शेयर्स, ठीक है, एक्टिविटीज ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, या फिर आपका कोई भी प्रॉब्लम होता है जिस चीज के वजह से बहुत सारा नेसेसरी एक्शन होता है जो लेना पड़ता है, तो उस चीज के लिए व्हाट दे डू इज ये अनएथिकल प्रैक्टिसेस जो है वो हट पाता है. रिफॉर्मेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, रिफॉर्मेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज का मतलब क्या है कि इसमें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलता है तुमको, इसमें जितने भी फंक्शंस होते हैं उसके अकॉर्डिंगली वी वर्क. नेक्स्ट इज डेवलपमेंट इमेज. डेवलपमेंट इमेज का मतलब क्या हो गया कि ग्रीवियंस सेल ट्राई टू सॉल्व द इन्वेस्टर्स ग्रीवियंस रैपिडली. वो लोग क्या करते हैं, वो लोग जल्दी जल्दी दे ट्राई कि जल्दी से जल्दी उन लोगों का जो प्रॉब्लम्स है, ग्रीवियंसेस है, वो सॉल्व हो जाए, सो दैट व्हाट दे कैन डू, दे कैन यू नो अर्न अ फेथ और अ ट्रस्ट अमंग द पीपल. गेनिंग कॉन्फिडेंस. गेनिंग कॉन्फिडेंस का मतलब क्या हो गया कि एट प्रेजेंट ग्रीवियंसेस ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज सॉल्व द इन्वेस्टर्स ग्रीवियंसेस एफिशिएंटली एंड हेल्प द इन्वेस्टर्स इन डिफरेंट वेज. ठीक है, वो लोग डिफरेंट डिफरेंट वेज में उसको हेल्प करते हैं ताकि वो लोग कॉन्फिडेंस ला पाए, एंड सो दैट व्हाट विल हैपन, द इन्वेस्टर्स विल बी विलिंग टू यू नो परचेज द शेयर्स. नेक्स्ट इज व्हाट डिस्क्राइब द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंक्शंस ऑफ सेबी. ठीक है, क्या क्या है. सेबी इज व्हाट, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. ठीक है, ये एस्टेब्लिश हुआ था ताकि एक सेपरेट स्टैटरी सिक्योरिटी बन जाए, ठीक है, इंस्टीट्यूशन बन जाए, सो दैट जो भी प्रॉब्लम्स, माल प्रैक्टिसेस या फिर कुछ भी होता है तो ये सेबी कंट्रोल कर सकता है. ये चीज बेसिकली कब फंक्शन में आया था, June 1992 में. ओके, सी इट इज नॉट वेरी नेसेसरी टू रिमेम्बर द डेट्स एंड द Yeah, but if you write it, you get a good weightage to your paper. Managing committees of SEBI consisting of 6 members, ठीक है, has been formed. तो 6 members से शुरू हुआ था, तो 6 members of the committee consist of 1 president, एक president होता है, उसमें 2 officers होता है finance का, ठीक है, एक legal department होता है Reserve Bank of India का भी. तो basically ये सब चीज को मिला के क्या होता है, क्या बोलते हैं, सेबी बनता है. ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट, अमंग द 5 nominated मेंबर्स ऑफ द सेंट्रल, ये शुड बी अ फुल टाइम मेंबर. ऐसा नहीं पार्ट टाइम कि हाँ अभी इधर काम कर लिया, अभी उधर काम कर लिया, नो, आप लोगों को फुल टाइम देना होगा. नाउ जो एक्टिविटीज है वो क्या क्या है, प्राइमरी मार्केट डिपार्टमेंट, सेकेंडरी मार्केट डिपार्टमेंट. ठीक है, प्राइमरी मार्केट डिपार्टमेंट में क्या है, प्राइमरी मार्केट डिपार्टमेंट इज द बेसिक डिपार्टमेंट, और जो सेकेंडरी है, सेकेंडरी के अंडर क्या क्या आता है, सेकेंडरी मार्केट पॉलिसी, फंक्शनल रिलेटेड टू द प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज एक्सेट्रा, ये सब करके इशू ऑफ मैनेजमेंट, ये आप लोग पढ़ोगे तो हो जाएगा. ठीक है, जैसे कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड पब्लिकेशन, स्पेशल डिपार्टमेंट विद द रिस्पेक्ट टू द लॉ एंड इंस्पेक्शन. ओके, इज इट क्लियर टिल हियर, वी हैव डन द 5 questions. ओके, सो वील कंटिन्यू विद क्वेश्चन नंबर 6. क्या है, डिस्कस द रोल ऑफ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज ऑफ इंडिया, दैट इज सेबी, इन द रेगुलेशंस ऑफ द इंडिया सिक्योरिटी मार्केट. ठीक है, हमारा जो इंडियन सिक्योरिटी मार्केट है उसमें सेबी क्या रोल प्ले करता है, दैट इज डिवाइडेड इंटू 3 parts, ओके, अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस. वन इज प्रोटेक्टिव फंक्शन, ठीक है, प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है, रेगुलेटरी फंक्शन होता है, एज वेल एज एक और फंक्शन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डेवलपमेंट फंक्शन. ठीक है, तो फर्स्ट वील टॉक अबाउट प्रोटेक्टिव फंक्शन. प्रोटेक्टिव फंक्शन क्या, इट चेक प्राइस रेगिंग. तो प्राइस रेगिंग का मतलब क्या होता है कि ये जितने भी प्राइस रिलेटेड माल मैनिपुलेटिंग चीज होते हैं, जितने भी माल प्रैक्टिसेस होते हैं, वो मेन ऑब्जेक्टिव होता है ताकि वो जो इन्फ्लेशन या डिप्रेसिंग ऑफ द मार्केट प्राइस, उस चीज को रेगुलेट करता है, उस चीज को देखता है कि क्या है, और सेबी प्रोहिबिट करता है, मतलब मना करता है वो सारे प्रैक्टिसेस को, क्योंकि उससे क्या हो सकता है, डिफ्रॉड कर सकते हैं हम लोग, अपने इन्वेस्टर्स को चीट कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट इज इन्वेस्टर्स, सॉरी, इट प्रोहिबिट्स इनसाइडर ट्रेडिंग. ठीक है, तो इनसाइडर इज एनी पर्सन कनेक्टेड विथ
कंपनी सच एज डायरेक्टर, प्रमोटर्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो क्या होता है कि एक कंपनी के इनसाइडर जो भी है, ठीक है, तो उन लोग को ट्रेड करने से मना करता है। व्हाई? बिकॉज ऑब्वियसली दे नो एवरीथिंग अबाउट द कंपनीज, राइट? तो दीज इनसाइडर्स हैव सेंसिटिव इंफॉर्मेशन विच अफेक्ट द प्राइसेस ऑफ द सिक्योरिटीज। तो उनको तो सब कुछ ही पता है, तो दैट मे यू नो अफेक्ट द प्राइसेस ऑफ द सिक्योरिटीज। तो वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग ट्राई करते हैं कि उन लोग इन्वेस्ट ना करें एक कंपनी में। ठीक है, तो देर आर अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो इनसाइडर्स होते हैं, उन लोगों को प्रिविलेज मिलता है इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन एवरीथिंग का। तो ये सब चीज क्या होता है, उन लोगों को ज्यादा प्रॉफिट कमाने को मिलता है, और जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो लोग परचेज करते हैं शेयर्स ताकि वो लोग बोनस इशू पाए और ये सब पाए। ठीक है, तो इसीलिए सेबी स्ट्रिक्ट चेक रखता है कि वो लोग जो सिक्योरिटीज खरीद रहे हैं वो इनसाइडर ट्रेडिंग जो कर रहे हैं वो जेन्युइनली होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज सेबी प्रोहिबिट्स फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। वो लोग चाहेंगे ऑब्वियसली कि कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस ना हो। तो सेबी डज नॉट अलाउ एनी कंपनी टू मेक मिसलीडिंग स्टेटमेंट। कोई भी मिसलीडिंग स्टेटमेंट आप नहीं कर सकते हो कि इसका प्राइस आगे जाने वाला है नहीं जाने फिर वैसा कुछ भी। ठीक है, सेल ऑफ परचेज अगर कोई भी सिक्योरिटी का कर रहा है, अगर ऐसा होता है आपके साथ, तो आप सेबी के पास जाके उसके अगेंस्ट कंप्लेन डाल सकते हो। ट्राई टू एडुकेट इन्वेस्टर्स। तो इनका क्या काम है, ऑब्वियस सा बात है, ताकि वो लोग प्रोटेक्ट कर सके। प्रोटेक्टिव फंक्शन जो है हमारा, कि इन्वेस्टर्स जो है उन लोगों को ज्यादा से ज्यादा एडुकेट कर पाए, ताकि वो लोग इवेल्युएट कर पाए कि क्या सही है क्या गलत है। ओके, प्रमोट फेयर प्रैक्टिसेस। प्रमोट फेयर प्रैक्टिसेस का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, कि सेबी जो है वो प्रमोट करता है उनका कोड ऑफ कंडक्ट सिक्योरिटी मार्केट बाय ट्रेडिंग फॉलोइंग स्टेप्स। ठीक है, जैसे कि इशूड गाइडलाइन टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट। ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग दे गिव यू नो सेट ऑफ गाइडलाइंस विच द इन्वेस्टर शुड नो। ठीक है, एज वेल एज जो तुम्हारे डिबेंचर होल्डर्स हैं या फिर कंपनीज हैं, वो लोग मिड टर्म के बीच में कुछ चीज को चेंज नहीं कर सकते हैं, फिर वैसा कुछ जो आपका लिखा हुआ है जो भी जैसा भी है वो उसके अकॉर्डिंगली फॉलो होगा। एम्पावर टू इन्वेस्टिगेट केसेस ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग। तो सेबी क्या बोलता है कि वो लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं केसेस जो लोग भी इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहे हैं, और उनके लिए बहुत ही मतलब यू नो स्ट्रिक्ट और स्टिफ फाइन्स भी रहता है, और आप जेल भी जा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स इज स्टॉप्ड। ठीक है, वो प्रेफरेंस की मेरा मर्जी, हम इसको इतना दे दे, इसको इतना दे दे, नहीं, दैट इज बिन स्टॉप। ठीक है, तो सेबी जो है वो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट बंद ही कर दिया है। ठीक है, क्योंकि अब ऑब्वियस बात है ना, दैट विल बी अनरिलेटेड टू मार्केट प्राइस। उसको उसमें खरीदना नहीं पड़ रहा, उसको कम में खरीदना पड़ रहा है, वो उसको अलग तरीके से दे रहे हो, तो दैट इज नॉट राइट। नाउ नेक्स्ट इज डेवलपमेंटल फंक्शन। डेवलपमेंटल फंक्शन क्या है, डेवलपमेंटल फंक्शन है कि आप मतलब सेबी विल ऑब्वियसली यू नो दे विल मेक श्योर कि आप ज्यादा से ज्यादा डेवलप कर पाओ। ठीक है, तो दीज फंक्शन आर टू प्रमोट एंड डेवलप एक्टिविटीज इन स्टॉक एक्सचेंज, ताकि जो इन्वेस्टर्स है उनका जो भरोसा है वो जीत पाए। ठीक है, तो अंडर डेवलपमेंटल कैटेगरीज क्या होता है, ट्रेनिंग टू इंटरमीडियरी इंटरमीडियरीज। ठीक है, तो इनको क्या होता है कि ये प्रमोट करता है ट्रेडिंग। ठीक है, इंटरमीडियरीज का कि आपको किस हिसाब से मतलब उनको ना ट्रेनिंग दिया जाता है कि आप इतना परसेंटेज ले सकते हो, इतना नहीं ले सकते हो, ऐसे आप ट्रेड करो। ठीक है, जो इन्वेस्टर्स है उनसे ऐसे पैसे लेके हो। प्रमोशन ऑफ फेयर ट्रेड। ठीक है, उन लोगों को बता मतलब प्रमोट करता है कि मतलब अंडरराइटिंग का ऑप्शन देके इधर उधर का डिफरेंट डिफरेंट वेज से, ताकि आप का भरोसा ये लोग जीत पाए। नेक्स्ट इज रिसर्च। रिसर्च का क्या है, इट पब्लिशेस इंफॉर्मेशन यूजफुल टू ऑल द मार्केट पार्टिसिपेंट फॉर कंडक्टिंग रिसर्च। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग सारा जितना भी रिसर्च होता है वो सब कुछ ये लोग क्या करते हैं, ये लोग पब्लिश कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट, रेगुलेटरी फंक्शन। रेगुलेटरी फंक्शन क्या है, कि रेगुलेटरी फंक्शन इज दीज फंक्शन आर परफॉर्म बाय द सेबी टू रेगुलेट इन द स्टॉक एक्सचेंज। वो लोग देखते हैं सही तरीके से कि जो फॉलोइंग एक्टिविटीज परफॉर्म हो रहे हैं वो सही तरीके से हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, फिर जो फंक्शन है वो परफॉर्म हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन ऑफ ब्रोकर्स एंड एजेंट्स हम लोग पहले देखेंगे, ब्रोकर सब ब्रोकर या ट्रांसफर एजेंट मर्चेंट बैंकर्स जो लोग भी हैं वो लोग रजिस्टर्ड हैं कि नहीं है। ठीक है,
नोटिफिकेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो नोटिफाई करता है, अगर कोई सर्टेन चेंजेस आया है, कुछ भी होता है, तो फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग वो सब चीज पब्लिश रहता है, ताकि आप बाद में ये ना बोल सको कि हमको नहीं पता. लिवाइंग ऑफ फीस, जो भी फीस रहता है, ठीक है, जो भी चार्जेस होता है, या फिर ब्रोकर का भी जो मैक्सिमम परसेंटेज होता है, ये लोग यही डिसाइड करते हैं. रेगुलेटर ऑफ इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट स्कीम, ठीक है, तो ये लोग क्या होते हैं, ये लोग रेगुलेटर होते हैं इन्वेस्टमेंट स्कीम के, वही लोग रजिस्टर करते हैं, रेगुलेट करते हैं, ताकि जो डिफरेंट डिफरेंट म्यूचुअल फंड हो गया, स्कीम्स हो गया, कुछ भी हो गया, तो वो इन्हीं लोग करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज वॉट, नेक्स्ट इज प्रोहिबिट ट्रेड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, कि ये लोग क्या करते हैं, ये लोग सेबी क्या करता है, फ्रॉडुलेंट जो भी तुम्हारा ट्रेड प्रैक्टिस होता है अनफेयर, तो ये लोग उसको क्या करते हैं, दे ट्राई एंड प्रोटेक्ट देम, और उसके अगेंस्ट जो भी ग्रीवियंसेस है उसको सॉल्व करते हैं. इंस्पेक्शन एंड इंक्वायरीज, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग कंडक्ट करते हैं रेगुलर इंस्पेक्शन, ऑडिट देखते हैं स्टॉक एक्सचेंज में, मतलब अकॉर्डिंग टू स्टॉक एक्सचेंज एक्ट या फिर रेगुलेशन 1956, ये चीज डेलीगेटेड है गवर्नमेंट की तरफ से कि आप लोग ये चीज देख सकते हो, समझ सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हो. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, डिस्कस द रोल ऑफ सेबी इन इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन, द सेम थिंग बट इन अ डिफरेंट मैनर. ये क्या है कि इशू ऑफ गाइडलाइन, ये लोग क्या करते हैं, गाइडलाइन इशू करते हैं, एकदम शॉर्ट में अपने जल्दी में करेंगे, ठीक है, कि जो भी मर्चेंट बैंकर्स, पोर्टफोलियो मैनेजर्स होते हैं, म्यूचुअल फंड होते हैं, जो लोग भी हैं बैंकर्स, अंडरराइटर्स, व्होमसोएवर, तो ये लोग क्या करते हैं, इन लोग के लिए ना स्पेसिफिक गाइडलाइंस बना के रखें, ताकि अवॉइड कर सके कंज्यूमर का, इन्वेस्टर्स का एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, कि आप उनके साथ गलत नहीं कर सकते हो. गाइडलाइन अगर सही तरीके से पैनल, मतलब सही तरीके से अगर व्हाट वी कैन से नहीं करा जा रहा है गाइडलाइंस फॉलो, तो पैनल रहता है जो चीज इस चीज को चेक करता है और उसके अगेंस्ट एक्शन ले लेगा. पब्लिक इंटरेस्ट एडवर्टाइजमेंट, पब्लिक इंटरेस्ट एडवर्टाइजमेंट इज व्हाट, ये बेसिक फीचर है जिसमें क्या होता है ना कि मिनिमम प्रिकॉशंस लेके चलते हैं, ठीक है, कोई भी एक इन्वेस्टमेंट को करने के पहले, जो मिनिमम रिस्क बोल सकते हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब सेबी क्या करता है कि वो लोग क्रिएट करता अवेयरनेस, ताकि जो वी एज एन इन्वेस्टर्स है वो बाद में प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हमारे साथ ना आए. एक्सक्यूज मी, नेक्स्ट इज डीलिंग विद कंप्लेंट्स ऑफ इन्वेस्टर्स, ठीक है, डीलिंग इन कंप्लेंट्स ऑफ इन्वेस्टर्स क्या है, द इन्वेस्टर्स कैन मेक कंप्लेंट टू सेबी इफ दे फेस एनी प्रॉब्लम, अगर हम लोग को कोई भी प्रॉब्लम होता है एज एन इन्वेस्टर्स, वी कैन गो टू सेबी, वी कैन यू नो ऑब्वियसली रिपोर्ट एंड रिकॉर्ड द कंप्लेंट्स, ठीक है, तो सेबी बहुत थाउजेंड एंड थाउजेंड से ज्यादा कंप्लेंट्स रिसीव करते हैं, तो उन लोग को अलॉटमेंट लेटर्स मिलता है, ठीक है, फिर वो उसमें डिपेंड भी होता है कि क्या क्या प्रॉब्लम है, मतलब डिविडेंड मिला नहीं मिला, कम मिला ज्यादा मिला, ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, तो ऐसे करके वो लोग डिफरेंट डिफरेंट चीज में वो लोग डिवाइड कर दें, उसके अकॉर्डिंगली दे सी द प्रेफरेंस एंड टेक द एफर्ट टू सॉल्व द कंप्लेंट्स. नेक्स्ट इज इन्वेस्टर्स एजुकेशन, इन्वेस्टर एजुकेशन के सेबी इज अवेयर ऑफ इन्वेस्टर्स एजुकेशन, ठीक है, उनको लगता है कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग इंक्रेज करते हैं इन्फॉर्मेशन, देखो आप सेबी मार्केट रिव्यू देख सकते हो, या फिर सेबी न्यूज लेटर्स देख सकते हो, ये सारे पब्लिकेशन करते हैं, ताकि सेबी ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स को एडुकेट कर सके, उनके बारे में उनको बता सके, समझा सके. इन्वेस्टर सर्वे, इन्वेस्टर सर्वे क्या है, सेबी हैज ऑल्सो कंडक्टेड सर्विस इन रिस्पेक्ट की किन इन्वेस्टर्स को अपॉर्चुनिटी मिल रहा है समझने का, कौन से स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं जो ये बेनिफिट नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है, तो द फाइंडिंग्स ऑफ द सर्वे आर गिवन वाइड पब्लिसिटी सो एज टू प्रोवाइड प्रॉपर गाइडेंस टू इन्वेस्टर्स रिगार्डिंग देयर इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ठीक है, तो वो लोग क्या करेंगे अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन को लेने के लिए ये चीज है जो चीज वो लोग गाइड कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं. नाउ डिस्क्लोजर बाय कंपनीज, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज होते हैं, ठीक है, वो लोग को डिस्क्लोज करने के लिए दे आर यू नो बाउंड, अनऑडिटेड आप नहीं रख सकते हो, आपको अपना ऑडिट कराना होगा हाफली बेसिस पे या जिस भी बेसिस पे, और वो फॉर्मेट वो आपको पब्लिश करना होगा, दिखाना होगा, ताकि सारा इन्फॉर्मेशन एक इन्वेस्टर को पता चल सके इन्वेस्ट करने के पहले. कोड रिगार्डिंग टेक ओवर्स, ठीक है, तो जो यहाँ पे क्या है कि सेबी हैज नाउ इशूड कोड रिगार्डिंग टेक ओवर्स ऑफ द कंपनी मर्जर्स एंड अमेलगमेशन, तो इट हैज इंट्रोड्यूस्ड रेगुलेशंस गवर्निंग सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर्स एंड लेज द कंडीशन अंडर हियर.
ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे यू नो रेस्ट्रिक्शंस कंडीशंस लगाए हुए हैं, और किस हिसाब से करना है क्या कोड, अगर आप टेक ओवर कर रहे हो तो दीज आर सर्टेन थिंग्स विच यू नीड टू फॉलो, ये सब चीज को है। और टेक ओवर जो होगा वो डायरेक्टली पार्टीज पे होगा, ऐसे नहीं कि सब पार्टी एंड देन ऑल दैट, नो। कंट्रोल ओवर द एक्टिविटीज ऑफ क्रेडिट रेटिंग रेटिंग एजेंसीज, ठीक है। तो क्या होगा, जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है उन लोग के ऊपर भी कंट्रोल देना होगा, क्योंकि वो लोग ज्यादा से ज्यादा लोन अगर देंगे तो मनी फ्लो बहुत ज्यादा हो जाएगा, फिर सब इन्वेस्ट करेंगे, इन केस अगर उनका इन्वेस्टमेंट रिस्की है या खराब है तो फिर उनका पैसा डूब सकता है, ठीक है। अब एज वेल एज कोड ऑफ कंडक्ट भी देखना होगा, जो जो एजेंसीज है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट और सिक्योरिटीज जो दे रहे हैं वो भी एक फिक्स होना चाहिए, फिर एक मिनिमम अमाउंट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी ले, ठीक है। तो स्टॉक एक्सचेंज हो गया, इंटरमीडियरीज हो गया, सेल्फ रेगुलेटिंग ऑर्गेनाइजेशंस हो गया, तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग रेमेडियल मेजर्स पहले से लेते हैं एंड उसके अकॉर्डिंगली ये लोग काम करते हैं ताकि फ्रॉडुलेंट और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ना हो, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज डिस्कस द रोल ऑफ द कोर्ट और जुडिशरी इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन, ठीक है। व्हाट इज द यू नो रोल ऑफ कोर्ट, अगर हम लोग इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन के बारे में बात करें तो मेनी सेक्शंस हैज बीन इंक्लूडेड इन द कंपनीज एक्ट कंफर्मिंग द कंफरिंग द पावर्स अपॉन द कोर्ट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्ट ऑफ प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, ठीक है। तो द रोल ऑफ कोर्ट और जुडिशरी इन द प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट में भी डिस्कस्ड एज बिलो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो रोल है वो बेसिकली नीचे में बता दिया गया है कि क्या क्या है वो लोग। ऑब्वियसली देर आर अ लॉट ऑफ यू नो सेक्शंस इसके अंडर ये चीज सॉल्व होगा। तो चेंज इन द एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट, तो वेन द कोर्ट फाइंड्स दैट अ कंपनी इज बींग चेंज इन अ मैनर डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी और इट्स शेयर होल्डर्स और सोसाइटी, इट में इशू ऑर्डर टू चेंज इट्स एग्जिस्टिंग मेंबर्स, ठीक है। अगर हम लोग को ऐसा लग रहा है कि हम मतलब इससे मतलब शेयर होल्डर्स या फिर इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट खराब हो सकता है तो वो लोग मैनेजमेंट को चेंज कर सकते हैं। अप्रूविंग कैपिटल रिडक्शन स्कीम्स, ठीक है। तो लॉस मेकिंग एंड फाइनेंशियली वीक कंपनीज में फाइल अ पेटिशन टू द कोर्ट फॉर रिडक्शन ऑफ कैपिटल फॉर द रिवाइवल। बहुत बार ही ऐसा होता है ना कि वो लोग शेयर होल्डर्स सेटिस्फाइड नहीं होते हैं इंटरेस्ट से या जो भी हो रहा है, तो लास्ट में क्या होता है कि वो लोग कंपनी क्या होता है ना, उन लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो लोग आगे बढ़ पाए, ठीक है। उनके पास कम हो जाता है या फिर वो लोग फुली सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, तो व्हाट हैपेंस इज लाइक लास्ट तक में उनका जो कैपिटल होता है वो कम कर देता है, ठीक है। तो क्रेडिटर्स इससे अफेक्ट नहीं होते हैं क्योंकि उनको तो कंफर्मली रिड्यूस हो जाता है कैपिटल और उन लोगों को देना ही पड़ता है। डायरेक्शन टू परचेज द शेयर्स, ठीक है। व्हाट आर द डायरेक्शंस जिससे आप शेयर परचेज कर पाओ, ये चीज भी है। कोर्ट में इशू करता है अंडर सेक्शन 402 ऑफ द कंपनीज एक्ट टू परचेज शेयर्स और इंटरेस्ट ऑफ एनी मेंबर्स ऑफ द कंपनी बाय अदर मेंबर ऑफ द कंपनी, ठीक है। सेम मेंबर ऑफ द कंपनी एक ही मेंबर से नहीं खरीद सकते, दूसरा मेंबर से खरीदना होगा। ऑल्ट्रेशन इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, कुछ भी, तो एज पर सेक्शन 404, दैट इज यहाँ ऊपर में था 402, यहाँ पे है 404, ठीक है। तो 404 में क्या है, द कंपनीज एक्ट द जुडिशरी कैन ऑर्डर फॉर ऑल्टरेशन इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। दीज चेंजेस मस्ट बी इन्फॉर्म टू द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी विद इन 30 डेज, ठीक है, जब ऑर्डर आता है जुडिशरी से। नेक्स्ट इज व्हाट रिवोकेशन ऑफ अग्रीमेंट, रिवोकेशन ऑफ अग्रीमेंट में क्या है कि इफ द अग्रीमेंट एंटर्ड इनटू बाय द कंपनी विद द डायरेक्टर्स या मैनेजिंग डायरेक्टर्स जो भी है, तो उन लोग को क्या रहता है ना कि उन लोग का जो इंटरेस्ट रहता है वो चीज पहले ऑर्डर आ चुका होता है, उसके अकॉर्डिंगली वो चीज अगर आपको कैंसिल करना है तो वो टर्म्स एंड कंडीशंस अग्रीमेंट पेपर लाना होगा, आपको वो दिखाना होगा, और तभी वो आप अपना अकॉर्डिंग टू दैट शेयर होल्डर का इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हो। इंटरिम ऑर्डर, इंटरिम इज इन बिटवीन, जो बीच में दिया हुआ जाता है, ठीक है। तो ऑन एप्लीकेशंस बीइंग मेड ऑफ द कोर्ट फाइंड्स कि कंपनी इज नॉट रनिंग नाइसली या फिर एफिशिएंटली, तो वो लोग बीच में डाल सकते हैं और बोल सकते हैं दिस कंपनी इज नॉट फिट, या फिर कंपनी का अफेयर्स में थोड़ा चेंजेस लाना पड़ेगा, ठीक है, ताकि वो इक्विटेबल हो। नेक्स्ट इज ऑर्डरिंग इन्वेस्टिगेशन
एक कोर्ट ऑर्डर कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन, अगर उसको लगे कि ये कंपनी में कुछ फ्रॉड चल रहा है या फिर इसके ऑफिसर्स जो हैं वो सही काम नहीं कर रहे, तो उसके उसके लिए करेक्टिव एक्शंस लिया जा सकता है। नेक्स्ट, इन केस ऑफ कॉम्प्रोमाइज और आर्बिट्रेशन, ठीक है, तो ये जो जो भी डिस्प्यूट्स रहता है रिलेटेड टू द पार्टीज और एनीथिंग, तो ये कौन है, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करके देगा आपको कोर्ट। नेक्स्ट इज डायरेक्शंस टू द डिफरेंट अथॉरिटीज, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सेफ गार्ड करते हैं इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, वी ऑल नो दैट। तो इसमें क्या होता है ना कि जो कोर्ट है वो डायरेक्शंस, जैसे कि पकड़ लो रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी, डिपार्टमेंट ऑफ द कंपनी अफेयर, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट, ये सब कुछ क्या करता है, एक नेसेसरी एक्शन लेता है ताकि आप बिट्रे या फिर आपके साथ कुछ गलत ना हो। इशूइंग ऑर्डर फॉर कंपल्सरी वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, ठीक है, अब क्या करोगे कि ऑर्डर इश्यू करोगे कि नहीं बस अब ये कंपनी और नहीं चलेगा, ठीक है। 433 कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंगली आता है कि जब एक कंपनी कन्वेंस स्टैट्यूटरी मीटिंग जिसमें वो लोग फेल कर देता है स्टैट्यूटरी रिपोर्ट भेजने के लिए, ठीक है, तब वो हो सकता है मतलब वाइंडिंग अप बंद। व्हेन कंपनी फेल्स टू स्टार्ट इट्स ऑपरेशन विद इन अ ईयर ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन, ये चीज कंपलसरी होता है कि 1 साल के अंदर आपको स्टार्ट करना होगा, तो अगर नहीं होता तो फिर आपका रद्द कर दिया जाता है। व्हेन अ कंपनी बिकम्स बैंकक्रप्ट एंड कंपनी फेल्स टू रीपे द डेट्स, ऑब्वियसली अगर आपके कंपनी के पास डेट रीपे करने का पैसे ही नहीं है तो आपको कंपनी नहीं चला सकते। द माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट इज नॉट प्रोटेक्टेड, तो माइनॉरिटी शेयर होल्डर अगर आपके कंपनी में है, अगर बड़े नहीं है तो फिर वाइंड अप करना पड़ेगा। व्हेन देयर एग्जिस्ट एलिड ऑपरेशंस एंड मिसमैनेजमेंट, जब बहुत ज्यादा मिसमैनेजमेंट हो रहा है या फिर ऑपरेशंस मतलब बहुत कुछ गलत वलत हो रहा है, तो उस टाइम में क्या होगा, उस टाइम में यू आर बाउंड कि आपको कंपनी को छोड़ देना पड़ेगा। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिशियल लिक्विडेटर्स, ठीक है, तो फिर ऑफिशियल लिक्विडेटर्स को हायर किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है, ये चीज किससे होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो होता है वो अटैच करता है हाई कोर्ट के साथ, बात करता है, डिस्कस करता है, एंड उसके अकॉर्डिंगली क्या होता है कि वो लोग को रखा जाता है ताकि वो लोग बुक्स ऑफ अकाउंट, कंपनी का एसेट, तो ये सब देखे और उसको लिक्विडेट करके खत्म करे। रीअपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है, तो एक कोर्ट के पास ये चीज है कि वो रिमूव कर सकता है कोई मैनेजिंग डायरेक्टर और उसको रीअपॉइंट कर सकता है, लेकिन इसका टाइम क्या होता है, विद इन 5 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। पेनल एक्शंस ले भी लिया जा सकता है अगर आप उसको डिसोबे कर रहे हो। रिलीफ फ्रॉम ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट इन द कंपनी, इट विल टेक नेसेसरी मेजर टू ग्रांट रिलीफ इन द एप्लीकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रिलीफ फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ मिसमैनेजमेंट होता है कि अगर एनी मतलब सरकमस्टेंसेस में अगर आप मतलब जो भी आपका काम है वो सही से नहीं कर पा रहे हो, तो नेसेसरी मेजर्स लिया जाता है ताकि आपको थोड़ा रिलीफ दिया जाए और आप आगे अच्छे से काम कर पाओ। नेक्स्ट इज डिस्कस द रोल ऑफ प्रेस इन प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर, प्रेस का क्या रोल है, ठीक है, प्रेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मीडिया इज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सेफ गार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर, ठीक है, मीडिया एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज है ताकि आप एक इन्वेस्टर को सेफ गार्ड कर पाओ। इट एडुकेट्स द इन्वेस्टर्स बाय सप्लाइंग रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्टॉक मार्केट एंड इट्स वेरियस एक्टिविटीज, ठीक है, जैसे कि स्कैम्स होता है या फिर एक्सेट्रा कुछ भी होता है, ठीक है, जर्नल, स्टॉक एक्सचेंज, बुलेटिन, ये सब चीज दिया जाता है, सप्लाई करा जाता है आपको रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन ताकि आप चीट ना हो, ठीक है। तो पब्लिकेशन क्या क्या होता है, जैसे कि पब्लिकेशन ऑफ पोजीशन ऑफ शेयर इंडेक्स की, आज ये शेयर का क्या ट्रेंड है, ये प्राइस, बहुत लोग होता है कि जिनको नहीं समझ आता है तो वो सब चीज पब्लिश हो जाता है स्टैटिस्टिकल टूल्स के अकॉर्डिंगली ताकि आप देखो और उसको समझ पाओ, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट पब्लिशिंग क्रेडिट रेटिंग, आप क्या कर सकते हो, आप पब्लिश कर सकते हो क्रेडिट रेटिंग, अ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी लाइक क्रिजिल, आइक्रा, ठीक है, तो ये सब क्या है कि इससे पता चलता है कि क्रेडिट वर्दिनेस क्या है एक इश्यूअर का, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंगली आप स्टॉक्स को प्रेफर कर सकते हो। ये हेल्प करता है किसमें किसमें, न्यूज़पेपर में पब्लिश करके, ताकि एक इन्वेस्टर को आइडिया मिल सके कि यहाँ पर रिस्क है यहाँ पर रिस्क नहीं है, अकॉर्डिंगली वो लोग अपना इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले सकते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ स्टॉक,
अब आप एनालिसिस ऑफ स्टॉक कर सकते हो बुक वैल्यूज को देख के, डिविडेंड पर शेयर आपका कंपनी कितना दे रहा है, यील्ड कितना मिल रहा है, पर प्राइस अर्निंग रेशियो क्या है, तो ये सब चीज से आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है. नेक्स्ट इज पब्लिश नोटिसेस ऑफ कंपनी मीटिंग. नोटिस आप यू नो पब्लिश कर सकते हो एक कंपनी मीटिंग का, कैसे, जैसे कि प्रेस पब्लिशेस द नोटिसेस ऑफ द कंपनी सो दैट द इन्वेस्टर्स रिमेन अवेयर ऑफ द डेट एंड द टाइम ऑफ द मीटिंग बिफोर एंड. पहले से पता रहता है, आप लास्ट में नहीं बोलते ना अरे जा मेरे को तो पता ही नहीं था नो. ठीक है, तो आपको क्या है कि वो लोग प्रेस जो होते हैं वो पब्लिश करा लेते हैं मीटिंग. पब्लिशिंग कंपनीज एडवर्टीजमेंट, वो लोग क्या करते हैं एडवर्टाइजमेंट भी, वो लोग रिलेटेड टू न्यू इशू ऑफ शेयर हो या फिर कुछ भी हो, शेयर डिबेंचर हो, व्हाट सो एवर, वो लोग क्या करते हैं कर देते हैं ताकि हर एक इन्वेस्टर्स को पता चले कि ये चीज होने वाला है एंड दिस इज द प्रोसीजर. ठीक है, नेक्स्ट इज पब्लिशिंग अनएथिकल एक्टिविटीज ऑफ ब्रोकर्स. ये सब भी पब्लिश किया जाता है कि इस ब्रोकर ने ऐसा किया, इस ब्रोकर ने वैसा किया, ताकि आपको पता चले कि क्या क्या मतलब इन्वेस्टर्स गलत काम, मतलब उनके साथ क्या क्या चीज गलत हो सकते हैं, एंड टू यू नो गेट अ प्रिकॉशन वो लोग क्या कर सकते हैं, दे कैन गो थ्रू ऑल दिस सो दैट दे कैन गेट एन आइडिया कि अच्छा हम लोग को ये तो नहीं कर रहे, नहीं तो हम लोग इससे ठगा सकते हैं या फिर हमारे साथ कुछ गलत हो सकता है. नेक्स्ट इज पब्लिकेशन ऑफ सेबीज अनाउंसमेंट. जो भी अनाउंसमेंट होता है सेबी का, रूल्स एंड रेगुलेशन रिलेटेड, रिस्क रिलेटेड, इन्वेस्टर्स को अगर एडुकेट करना है या कॉशन किसी की चीज के बारे में बताना है तो ये लोग करते हैं. नेक्स्ट इज पब्लिकेशन ऑफ गवर्नमेंट नोटिफिकेशन. अगर कोई नोटिफिकेशन है रिगार्डिंग अमेंडमेंट, कोई चेंज आ गया है एक्ट में या गवर्नमेंट रूल्स में, तो ये सब चीज भी पब्लिश होता है. नेक्स्ट इज हाईलाइटिंग इन्वेस्टर्स ग्रीवियंसेस, की क्या क्या ग्रीवियंसेस है, वो चीज को पब्लिश किया जाता है अगेंस्ट ब्रोकर, स्टॉक एक्सचेंज और द कंपनीज, ताकि रेमेडियल मेजर्स लिया जा सके और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके, एंड सो एज टू क्रिएट अवेयरनेस ताकि बाकी किसी के साथ गलत ना हो, एंड देन दे कैन स्टे अलर्ट अकॉर्डिंगली. ठीक है, अरेंजिंग कॉन्फ्रेंस. ठीक है, हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कॉन्फ्रेंस अरेंज कर सकते हैं. द प्रेस अरेंजेस वेरियस कॉन्फ्रेंस डिबेट्स डिस्कशन फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर एंड पब्लिशेज द प्रोसीडिंग थ्रेट इन द न्यूज पेपर. ठीक है, तो जो भी तुम्हारा कॉन्फ्रेंस है वो आप लोग का यहाँ पे पब्लिश हो सकता है और आपका जितना भी प्रोसीडिंग है थ्रेट से जो भी है वो चीज सबको पता चल सकता है. इन्वेस्टिंग रोल. इन्वेस्टिंग रोल क्या है, इन्वेस्टिंग रोल में यहाँ पे बताया गया है कि ये प्रेस जो है वो पब्लिश करता है रिपोर्ट रेगुलरली ऑन द वर्किंग ऑफ द ऑनगोइंग मैटर्स रिलेटिंग टू द फाइनेंस कैपिटल. ये सब कुछ पब्लिश रहता है. ठीक है, ओके, नेक्स्ट इज व्हाट. नेक्स्ट इज पब्लिशिंग रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी. कंपनी रिलेटेड जो भी है, बोनस शेयर, राइट इशू, तुम्हारा डिविडेंड, मर्ज किया है, एक्विजिशन अगर कुछ हुआ है या फिर कैपिटल रिडक्शन कुछ भी हुआ है, तो दे नीड टू यू नो बिफोर हैंड पब्लिश एवरी थिंग सो दैट कोई भी ऑल्ट्रेशन कुछ भी हुआ हो एक कंपनी में तो वो चीज बताना बहुत जरूरी है और वो बताया जाता है. ठीक है, फिर नेक्स्ट इज पब्लिकेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज ऑर्डर फॉर सस्पेंशन ऑफ ट्रेडिंग. अगर आपका सस्पेंशन मिला है कोई कंपनी को ट्रेड करने से या कोई उस कंपनी ने वायलेट किया होगा कोई रूल्स नॉर्म्स और एनीथिंग, तो क्या होता है, तब आपको वो चीज नहीं दिया जाएगा. नेक्स्ट इज पब्लिकेशन ऑफ रेट ऑफ डिविडेंड एंड इम्पोर्टेंट मैटर्स ऑफ एनुअल रिपोर्ट. तो क्या होगा यहाँ पे कि जो एनुअल रिपोर्ट है उसका जो भी डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हो या फिर कुछ भी इम्पोर्टेंट मैटर में कोई भी एनुअल मीटिंग या कुछ भी होता है तो डिसीजन होते हैं अकॉर्डिंगली, दे ऑल आर पब्लिश बिफोर हैंड. नाउ डिस्कस द रोल ऑफ मीडिया इन प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स. ठीक है, तो दिस इज द सेम थिंग अप्रोक्सीमेटली, मतलब समहाउ और द अदर सेम, बट यहाँ पे आंसर थोड़ा अलग तरीके से है कि अगर किसी को उतने पॉइंट्स नहीं लिखना है तो वो इस तरीके से लिख सकता है. द मीडिया हैज एन एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट रोल टू प्ले इन द कंटेक्स्ट ऑफ इन्वेस्टर अवेयरनेस एंड एजुकेशन एज द प्राइम मीडियम थ्रू विच प्रोटेक्ट इन्वेस्टर्स ओबटेन इन्फॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल मार्केट. इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर न्यू चैनल्स टू नॉट ओनली प्रोवाइड एक्यूरेट एंड अनबायस्ड इन्फॉर्मेशन ऑन द कंपनीज एंड मार्केट पार्टिसिपेंट बट इक्वली टू बिहेव एज वॉच डॉग्स, विसल ब्लोअर्स एंड ऑन बिहाफ ऑफ द इन्वेस्टर्स. ठीक है, तो ये मीडिया का क्या क्या काम है, वो लोग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इन्फॉर्मेशन ही नहीं देते हैं, दे ऑल्सो एक्ट एज वॉच डॉग्स, मतलब कि देखते हैं क्या हो रहा है,
विसल ब्लोअर्स की, मतलब अगर यहाँ किसी के साथ गलत हो रहा है या फिर यहाँ किसी के साथ सही हो रहा है, व्हाट आर द चेंजेस, कुछ भी, मतलब वो लोग बैठ के देखते हैं और वो चीज पब्लिश करते हैं इन्वेस्टर्स के बिहाफ में, ताकि इन्वेस्टर्स को पता चल सके सब चीज और वो लोग उस हिसाब से इस चीज पे एक्ट कर सके. ओके, नेक्स्ट इज वॉट, नेक्स्ट इज ओके, न्यू चैनल्स हैव एक्सेस टू ग्रेट डिग्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड शुड बी एनकरेज टू इन्फॉर्म इन्वेस्टर्स अबाउट द वेरियस रिस्क एंड एडवांटेजेस ऑफ द डिफरेंट इन्वेस्टमेंट समटाइम्स एंड प्रोडक्ट्स दैट आर अवेलेबल इन द मार्केट. ठीक है, तो कुछ भी प्रोडक्ट विच इज देयर अवेलेबल इन द मार्केट, वो चीज को के बारे में वो लोग इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज वॉट, वाइल इन इंडिया नॉट एवरीबडी हैज एक्सेस टू टेलीविजन, रेडियो, अ न्यू प्रिंट आर एक्सट्रीमली वाइड स्प्रेड फॉर्म ऑफ इन्फॉर्मेशन. रेडियो एंड न्यूज पेपर आर इफेक्टिवली इफेक्टिव मीडियम टू स्प्रेड इन्वेस्टर्स एंड प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट. ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं कि हाईलाइट करते हैं रेगुलेशन बाय द कंपनीज, ब्रोकर्स एंड मीडिया, ये सब चीज, और वो लोग अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज को भी मतलब कंस्ट्रेन करते हैं और बोलते हैं उनको दैट दे नीड टू एक्ट स्विफ्टली एंड अकॉर्डिंगली, ताकि वो लोग का जो मेजर्स है वो वायलेट ना हो और फेस कर सके वो जो भी सस्टेन किया गया है उनको मीडिया से. ठीक है, तो फाइनली इट इज इम्पोर्टेंट टू नोट दैट मीडिया हाउसेस फेस एक्सटर्नल प्रेशर टू ब्लॉक आर्टिकल्स एंड रिपोर्ट दैट मे बी क्रिटिकल अबाउट पर्टिकुलर इंडस्ट्री और कंपनी. इट वुड बी देयरफॉर बी वर्थ वाइल एक्सरसाइज फॉर द रेगुलेटर टू एडवर्टाइज इन प्रिंट मीडिया and would promote editorials that are uninfluenced by the industry pressure and in the lines with best practices. तो मतलब यहाँ पे यही चीज बोला गया है, जो भी articles, reports होता है वो unbiased होता है, वो किसी के बोलने और बहकावे पे नहीं होता है, और यही है कि लोग regulators को है मतलब जो भी है उनका व्यू पॉइंट या फिर वो लोग जो भी करने वाले इन्वेस्टर्स के हित के लिए, ठीक, ताकि कोई माल प्रैक्टिस ना हो, उनके साथ कुछ गलत ना हो, कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी ना हो, तो वो सब चीज को प्रमोट करते हैं ये लोग, ताकि इन्वेस्टर्स अच्छी तरीके से एडुकेट हो पाए और उनके जो राइट्स है वो सेव हो पाए और इन्वेस्टर्स जो हैं वो प्रोटेक्टेड रहें फ्रॉम ऑल द प्रॉब्लम्स विच आर देयर. सो मीडिया प्लेज अ रियली वेरी इंपॉर्टेंट रोल. ठीक है, ओके.